हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। पिछली क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे और ये समझने की कोशिश किए थे कि कितने भी तरह का क्यों ना मोशन हो जाए, वो जो बेसिक जो फंडामेंटल है उसको हम लोगों को यूज़ करना होता है। और साथ में स्पेशल केस भी पढ़े थे जो आप 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी और ये वाला। तो इससे पहले कि थोड़ा और हम लोग अपना परसेप्शन थोड़ा अच्छा कुछ बनाएं, उसको याद दिला देता हूं और फिर उसके बाद उसमें बताता हूं कि जो जनरली हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखो जो जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है ना वैसा मिलता है जनरली देखने को हम लोगों को मिलता है कि एक आदमी है और एक गाड़ी है। ठीक है, एक आदमी है और एक गाड़ी है और शुरू में ही दूरी एस नॉट है, गाड़ी चल रही है यू से और जनरली इनिशियल टाइम ज़ीरो ले लेते हैं। जब ये ऑब्जर्वर देखता है तो जनरली हम लोग इनिशियल टाइम ज़ीरो लेते हैं। यदि इनिशियल टाइम ज़ीरो ना लें, पहले इनिशियल टाइम ज़ीरो ना लें वो आपको बता देता हूँ। फॉर कॉन्स्टेंट ए वी बराबर यू प्लस ए टी माइनस इनिशियल टाइम, एस बराबर एस नॉट प्लस यू टी माइनस टी आई प्लस हाफ ए टी माइनस टी आई का स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट। आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग कब यूज़ करेंगे ये, जब इंटरवल वाइज चीज़ें जब बदलती हैं तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जनरली बदलती नहीं है। जैसे मैं किसी इसको मैं फेंक दूं ऊपर तो जी कांस्टेंट रहता है, ए बदलता नहीं है इंटरवल वाइज। जब एक्सलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में 12th में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज़ चल रहा है तो कांस्टेंट एक्सलेशन होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे कि जो एक्सलेशन है कांस्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। फ्रिक्शन में पढ़ोगे कांस्टेंट है, तो बहुत सारे जगह कांस्टेंट होता है, इसलिए इंटरवल वाइज ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इंटरवल वाइज होगा तो इंटरवल वाइज लेके देखेंगे, अभी हम लोग धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। यही कारण है कि टी आई की ज़्यादा बात नहीं होती है। ठीक है, टी आई की ज़्यादा बात नहीं होती है और कह देते हैं कि इनिशियल टाइम क्या है, शुरू में ज़ीरो है। टी आई शुरू में जो इनिशियल टाइम है वो ज़ीरो है। यदि ऐसा है तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, टी आई ज़ीरो है तो फॉर टी आई ज़ीरो वी बराबर U प्लस ए टी हो जाएगा, S बराबर एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। इसमें और इसमें क्या अंतर है ये देखोगे तो रिलेट करो ना, ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, जरूरत यह है कि उसका मतलब क्या है। तो एक्स यूज करें तो एक्स यूज करिए
आर यूज करिए, वाई यूज करिए, एस यूज करिए, क्या फर्क पड़ता है? अंडरस्टैंडिंग बस ये है कि वो शुरू में ही कुछ इनिशियल वैल्यू है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। दूसरा, जब नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग, नाइन्थ में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें दो कांस्टेंट रहा होगा, ध्यान दो, कितने कांस्टेंट रहा होगा, दो कांस्टेंट रहा होगा, U और A, इनिशियल वेलोसिटी गिवेन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दो कांस्टेंट गिवेन, U कांस्टेंट वैल्यू और A कांस्टेंट, दो रहा होगा। अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अच्छा, दो इसलिए रहा होगा क्योंकि जहां से पार्टिकल चलता था वहीं रिफरेंस मानते थे, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग मैं यहां खड़ा हूं और कार वहां है, मैं यहां खड़ा हूं कार यहां पर है, कार यही होता तब तो एस नॉट भी जीरो होता, लेकिन कार थोड़ी दूर है, रिफरेंस कहीं और है, तो एस नॉट जीरो नहीं होगा। यदि एस नॉट जीरो हो ही जाता तब तो तुम्हारे नौवीं क्लास का हो जाएगा। तो यदि हम लोग वहां न माने रिफरेंस जहां से गाड़ी शुरू हो बल्कि कहीं और से शुरू हो, तब ये देखो एक और कांस्टेंट बढ़ गया, इनिशियल पोजीशन। तो कितने कांस्टेंट हो गए, तीन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में इनिशियल टाइम जीरो है, इनिशियल टाइम जीरो है, ओके। अच्छा, यदि हम लोग कह दें कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, गाड़ी कहीं और से शुरू हो रही है और टाइम भी जीरो न लेंगे, तो चार कांस्टेंट होगा, कितने कांस्टेंट, चार, यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टीआई कांस्टेंट और एस नॉट कांस्टेंट, चार कांस्टेंट होगा। तो आप देखिए किस तरह से मोस्ट जनरल कांस्टेंट एक्सेलरेशन का चार कांस्टेंट लिखा हूं, फिर तीन कांस्टेंट लिखा हूं और एस नॉट को भी जीरो कर दूंगा, तो नौवीं क्लास में चले जाएंगे हम लोग और दो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चार कांस्टेंट से तीन कांस्टेंट और तीन कांस्टेंट से दो कांस्टेंट। इसका मतलब जब आप नौवीं क्लास में पढ़े थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल केस था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, जिसमें जहाँ से शुरू किए थे वहीं से रिफरेंस था और वहीं पर और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ओके। तो हम कहते हैं कि आप लोग मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, ओके, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और यही आप लोगों को जनरली लगेगा, लेकिन चेक जरूर करिएगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लगाइएगा। और अच्छा, आप कहेंगे सर कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे कि नौवीं क्लास वाला लगाएंगे, तब ये मत पूछना, अब ये मत पूछना, जो जैसा सिचुएशन होगा वैसा लगाना, एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ। ये तब लगाओगे जब इंटरवल वाइज चीज़ें होंगी या इनिशियल टाइम ज़ीरो नहीं होगा, ये तब लगाओगे जब इनिशियल टाइम तो ज़ीरो होगा पर इनिशियल पोजीशन ज़ीरो नहीं होगा, और नौवीं क्लास वाला तब लगाओगे जब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट या जैसे उस तरह का क्वेश्चन होगा जो नौवीं में किए होगे, तो लगाना। एक तो ये पॉइंट है, ओके। अच्छा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका भी ख्याल रखना, इसको याद करने का तरीका भी बताया ही हूँ मैं आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये देखो, सभी लोग लिखेंगे, हाँ ये देखो, तो ये किसका रिलेशन है, ध्यान सुनना ना,
ध्यान से सुनना, ये किसका रिलेशन है? वी और टी का। किसका रिलेशन है? वी और टी का। ये किसका रिलेशन है? एस और टी का। और ये किसका रिलेशन है? वी और एस का। क्लियर? फिर सुनो, नहीं सुन पाए तो मैं कह रहा हूं कि ये वी और टी का रिलेशन है, बाकी यू ए एस नॉट, यू ए एस नॉट, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। पहला रिलेशन जो नौवीं क्लास में पढ़े हो वही याद दिला रहा हूं कि जो पहला पढ़े होगे वो वी और टी के बीच में रिलेशन है, दूसरा एस और टी के बीच में है, और तीसरा वी और एस के बीच में है। तीन वेरिएबल को लेके हम लोग ये चीज जानते हैं, और बाकी यू और ए, और यहां पे एक एक्स्ट्रा एस नॉट है, कांस्टेंट है, एक ये समझना है। ओके, इसका मतलब फॉर एनी वैल्यूज ऑफ यू एंड ए बट ए शुड बी कांस्टेंट। तो देखोगे ना, तो ये देखो, ए जीरो हो या ना हो, एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, बल्कि हटाई देते हैं, दो क्यों बनाए। ए जीरो हो या ना हो, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सही है। ए जीरो होगा तो भी और ए जीरो नहीं होगा तो भी ये वी और टी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि, ध्यान से, क्योंकि वी का पावर वन है और टी का पावर वन है, वी का पावर वन है और टी का पावर वन है। अच्छा, मैं शुरू में बोलना भूल गया, मैं सबको फिर से बोल देता हूं, जो लोग आज का क्लास नया है, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो कृपया न पढ़े, आप शुरू से पढ़िए मेरा क्लास। वेक्टर पूरा चैप्टर करिए, देन ग्राफ करिए मेरा, देन डिफरेंशिएशन करिए, देन इंटीग्रेशन करिए, देन जो 12-13 क्लास हो चुका है वो पूरा करिए काइनेमेटिक्स का। कुल मिला के बहुत ज़्यादा क्लास हो गया, 50-60 क्लास हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद तुम लायक बनोगे कि मेरा क्लास कर सको। अच्छा, ऐसा यदि नहीं करोगे तो या तो हमको ख़राब मान लोगे कि हमें समझाने नहीं आता, या फिर तुम कहीं सुने होगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, समझाने आता है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम कमज़ोर हो जो समझ में नहीं आता, जबकि दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि टी का पावर वन है और वी का पावर वन है। इसका मतलब साफ है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम हो और स्पीड टाइम हो, दोनों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। पर सेकेंड का देखो, ए कांस्टेंट हो, ए जीरो कांस्टेंट हो और ए नॉन जीरो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट तो है, जीरो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये ग्राफ, एस टी ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ग्राफ। और नॉन जीरो कांस्टेंट होगा तो एस टी पैराबोला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं भाई, जब हम कोई चीज कहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो दुनिया में एक्सेलरेशन कितने तरह का कांस्टेंट हो, कोई चीज कांस्टेंट दो तरह का होता है, जीरो एंड नॉन जीरो, और नॉन जीरो को भी दो तरह का बना सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, फिलहाल मैं जीरो और नॉन जीरो की बात कर रहा हूं। तो देखो, तो
यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ध्यान से, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो जो एस का पावर वन है और टी का पावर टू है, जो इसको पैराबोला बना रहा था, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए जीरो, देखो ए जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और पावर वन बचेगा टी का और एस का पावर वन बनेगा और हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन यदि ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा तो ये रहेगा, टी का पावर टू होगा और एस का पावर वन होगा और इसे पैराबोला कहते हैं, इसे पैराबोला कहते हैं। अंतिम, ध्यान से, अगेन ए जीरो एंड ए नॉट जीरो। फिर से यदि ए, देखो रिलेशन क्या है, वी और एस का रिलेशन होता है, तीसरा तीसरा रिलेशन क्या होता है, वी और एस का, वी और एस का रिलेशन होता है तीसरा, तीसरा वी और एस का, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। अब बताओ यदि ए मैं जीरो कर दूंगा, ए ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो कर दूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा ए जीरो करूंगा तो, और वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा और होना भी चाहिए, यदि ए जीरो है तो वी कांस्टेंट ही होगा और उस समय वी एस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लेकिन यदि ए जीरो नहीं हुआ, कांस्टेंट तो हो, कांस्टेंट तो हो पर एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ए कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पर वो जीरो ना हो, इसका मतलब हमारे पास रिलेशन वी के पावर टू होगा और एस के पावर वन होगा, बाकी एस नॉट, ए और यू तो गिवन वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है, पैराबोला होगा, पावर टू पावर वन पैराबोला होगा। वी एस ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, तो सभी लोग लिख लो तो जरा और इसको महसूस करो, सभी लोग इसको लिख लो और ध्यान देना इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी पे मिलने वाला है। ओके, अच्छा इसके बारे में सुनो तो, इसमें क्या क्या किस तरह की बातें आएंगी, ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, हाइट टाइम, ये सब एक ही तरह की बात है, चार, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम, हाइट टाइम, ऐसे इस टाइप का जो फेंकते हैं ऊपर नीचे, इन चारों के लिए यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पैराबोला ही होता है, कर्व होता है, लिख लीजिए और ये जानिए कि ये क्या होता है। और मैं यहां पे फोटो बना के बता भी दिया हूं कि एस नॉट क्या होता है, यदि आदमी यही खड़ा रहे, आदमी यही खड़ा रहे तो ये एस नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, ये एस नॉट जीरो हो जाएगा, आदमी यही खड़ा रहे तो, तुम्हारी नौवीं क्लास में ये आदमी यही खड़ा रहता था, आदमी वहीं से देखता था जहां से चीजें शुरू होती थी। ओके, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, हाँ मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या मैं क्वेश्चन ग्राफ के नाम पे फटाफट कॉम्बिनेशन दूंगा तो आप लोग खींच देंगे, हैं, चलिए खींचते हैं। ओके, चलिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और खींचते हैं।
सभी लोग देखेंगे, सभी लोग खींचिए तो ड्रॉ ए टी वी टी एस टी ग्राफ, ड्रॉ क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन। हाँ ड्रॉ ए टी वी टी एंड एक्स टी ग्राफ। अच्छा यहां पे एक्स टी रहे चाहे एस टी रहे सब एक ही बात है ना, कोई दिक्कत? कहिए तो मैं सही में ऐसे ही लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता। चलो लो एस टी ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ ए टी वी टी एस टी ग्राफ, और पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये मैं दे रखा हूं, आपका मन करता है तो लिख भी सकते हैं। इन ईच केस सभी लोग करेंगे ना, चलिए सभी लोग करेंगे मेरे साथ में। मैं आपको एस नॉट दे देता हूं, आपको यू दे देता हूं, और आपको ये दे देता हूं, वही तीन ठो जो कांस्टेंट था, जो तीन ठो कांस्टेंट था वही मैं दे देता हूं, ठीक है। यदि ये दो हो, ये चार हो, ये एक हो, ये चार हो, ये माइनस दो हो, ये जीरो हो, ये एक हो, ये माइनस चार हो, ये दो हो, और ये फोर हो, ये माइनस फोर हो, ये माइनस टू हो, ये माइनस थ्री हो, ये दो हो, ये माइनस दस हो, सभी लोग करेंगे ना, ठीक है, ताकि हम लोग बड़े आराम से चीज़ों को सीख सके। परसेप्शन स्ट्रांग करना है ताकि आपको आइडिया लग सके। यदि ये माइनस चार हो और ये माइनस तीन हो, ये माइनस दो हो, ये ज़ीरो हो, ये दो हो, ये ज़ीरो हो, ये चार हो, ये ज़ीरो हो, ये तीन हो, ये ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो, ये छः हो, ये यदि माइनस दस हो, दो हो, माइनस टू हो, ये ज़ीरो हो, ये चार हो, ये छः हो, ये माइनस छः हो, ये दो हो, ये ज़ीरो हो, और ये ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो, ये माइनस दो हो, इतने सारे क्वेश्चन दे दिया। आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, अभी मैं कुछ आप लोगों को बना भी देता हूँ ना, एक और कर लो, ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, कुल ज़ीरो हो, ये भी करेंगे तो देखता हूँ कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो रैंडमली पहला वाला कर लेते हैं ना, चलो हम लोग पहला वाला करते हैं, सभी लोग पहला वाला करें तो हमको तीन ग्राफ खींच के दिखा दीजिए। पहला वाला 2 4 1 2 4 1 का जल्दी से कमान तीन ठो ग्राफ खींच लो तो मैं खींचूं, चलो जल्दी से करो। अब फिर देखो कि मैं देखो फिजिक्स को कितनी करीब से देखा है ना, तो सभी लोग जल्दी से खींचें इस सेट के लिए, फॉर ईच सेट, इस सेट के लिए तीन ठो ग्राफ खींच दीजिए सभी लोग। तुम लोग ये नोट भी कर लेना, घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना,
चलो मैं कर रहा हूँ, खींच लिया आप लोग? चलो खींचते हैं, ध्यान से देखना। हाँ क्या था यार, 2 4 1 सभी लोग देखें, पहला वाला खींचने जा रहा हूं, एस नॉट बराबर 2, यू बराबर 4 और ए बराबर 1। मैं कर रहा हूं वही प्ले, पहला वाला कर रहा हूं, देखो तो ये देखो, एसटी पहले मिटा के थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, ध्यान से। एटी है ये, चलो कलर चेंज कर देता हूं। वीटी है ये, हाँ एसटी है ये, सभी लोग मेरी बात ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है। जितना भी मैं सेट दिया हूं सबका इकट्ठा बता रहा हूं, तैयार हो? जितना भी मैं दिया हूं सेट सबका मैं इकट्ठा बता रहा हूं, मैं इकट्ठे एटी बताने जा रहा हूं। तुम लोग देखो सेट में, देखो इधर देखो, एक कांस्टेंट है। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक कांस्टेंट है तो ये ए हमेशा है, लेकिन ये वी नहीं है, पॉइंट है। कई बच्चे कहते सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अरे भाई एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा बताओ, ये वेलोसिटी है ही नहीं, गलत मत समझ लेना, ये हमेशा एक्सेलरेशन तो है लेकिन ये हमेशा वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और ये इसको भी कहते हैं सर एस कांस्टेंट है, अरे ये एस है ही नहीं, ये एस तुम्हें दिख रहा है ये इनिशियल पोजीशन है, ये बस शुरू वाला है बाद में आगे बढ़ेगा, तो ये है। तो एक तो ये पॉइंट है, तो बताओ ए को फटाफट खींच लेंगे कि नहीं, सब इकट्ठा ये खींचते हैं, जितना दिया हो सबका ए सुनो ध्यान से, सबका ए सुनो इकट्ठे सुनो, ये देखो ए, ए मैं क्या दिया हूं देखो तो, ए मैं या तो प्लस दिया हूं या तो माइनस दिया हूं या तो जीरो दिया हूं, सबका इकट्ठा खींचता हूं, प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट एंड जीरो कांस्टेंट, सब ए खत्म सब सारा एटीग्राफ हो गया, प्लस होगा तो प्लस कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट पैरेलल टू टी एक्सिस, प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट, और दुनिया का सारा एटी ग्राफ कांस्टेंट वाला हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सारा ग्राफ। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा सुनो, अच्छा तो इसको खींच भी देते हैं यार, खींचना भी तो पड़ेगा, खींच देते हैं। हाँ सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, ये देखो 1 है और हो गया, बोलो हो गया 80 ए ए ए ए 1 ए 1 80, तो बाकी सभी 80 खींच लोगे, बाकी सभी 80 हो जाएगा ना अब तो, क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है मैं ग्राफ में पढ़ाया हूं, आज नया तो पढ़ा नहीं रहा हूं। अच्छा वीटी,
अब वी टी कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्सलरेशन होगा तो भला वी कैसे कॉन्स्टेंट होगा बताओ। तो चलो सारा वी इकट्ठा सुनो, सभी लोग सारा वी इकट्ठा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। वी कहां से शुरू होगा यू बताता है, इनिशियल। भाई इनिशियल मतलब शुरू, तो वी कहां से शुरू होगा यू बताएगा। यदि यू प्लस है तो ऊपर से शुरू होगा, यदि यू माइनस है तो नीचे से शुरू होगा, यदि यू जीरो है तो जीरो से शुरू होगा, पर इसी पे कहीं से शुरू होगा। यदि यू प्लस है तो ऊपर प्लस फोर, माइनस थ्री और जीरो, ऐसे। तो कहां से शुरू होगा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहां से शुरू होगा। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया का कोई और भी चीज बात करना तो ये बात करना शुरू कहां से होगा, कोई जरूरी है कि भी में ही सोचोगे कि कहां से शुरू होगा। मैं तो कहता हूं किसी और ग्राफ की सोचना, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, कुछ और तो सोचना कि कहां से शुरू होगा, कोई जरूरी है कि। तो जरूरत यह है कि हम लोग ट्रेनिंग दे अपने ब्रेन को ना। तो बताओ कहां से शुरू करें, चार है, कहां से शुरू करूं, यहां से करूं कि जीरो से करूं कि नीचे से करूं, जल्दी बताओ, जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी करो, कहां से शुरू करूं। यहां से शुरू करता हूं, चार, चार ग्राफ मैं यहीं से खींचूंगा। और तुम्हें याद है वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, याद है आप लोगों को, याद है मैं पढ़ा चुका हूं वीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन, वीटी स्पीड टी ऐसा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब देखो कहां से, देखो मैं कैसी बातें करूंगा किसी में ग्राफ में, थोड़ा ब्रॉडर वे में, एज ओवरऑल दुनिया का कोई भी ग्राफ मैं कैसा सोचूंगा वैसे तुम भी सोचना शुरू करो। शुरू कहां से होगा, किस डायरेक्शन से शुरू होगा और आगे जाके क्या होगा कर्वेचर या स्ट्रेट लाइन। फिर सुनो कोई ग्राफ कहां से शुरू होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई वो ग्राफ किस डायरेक्शन से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, किस डायरेक्शन से शुरू होगा और आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा हम लोग समझेंगे, याद रहेगा। बोलो कहां से शुरू होगा, किस डायरेक्शन से शुरू होगा, तीन डायरेक्शन है, ऐसे तीन डायरेक्शन से और आगे जाके क्या करें, कैसा। मान लो ऐसे शुरू हुआ तो मोड़ दें कि ऐसे शुरू होगा तो ऐसे लेके चले जाएं, ऐसे शुरू होगा तो ऐसे मोड़ दें, क्या करें आखिर, करें क्या। तो करते हैं ध्यान से, ओके सभी लोग ध्यान से, कहां से शुरू होगा इनिशियल वैल्यू बताता है और किस डायरेक्शन से शुरू होगा इनिशियल स्लोप बताता है और आगे जाके क्या होगा रिलेशन का नेचर बताता है। दुनिया का सारा ग्राफ बात कर रहा हूं, दुनिया के सारे ग्राफ की बात कर रहा हूं। कहां से शुरू होगा इनिशियल वैल्यू इनिशियल पोजीशन बताता है, किस डायरेक्शन से शुरू होगा इनिशियल स्लोप बताता है और आगे जाके क्या होगा नेचर रिलेशन ग्राफ का, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, साइनसॉइडल, टैन, कॉस, दिस दैट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, पता नहीं क्या होगा।
पर आगे जो होगा होगा, देखेंगे सोचेंगे। तो फिलहाल फिलहाल सिंपल है, लेकिन जब मैं बातचीत करता हूँ तब तो जनरल करता हूँ। तो करता हूँ ध्यान से, VT का स्लोप A होता है और वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए स्ट्रेट वी लाइन होता है। यदि A जीरो है तो ऐसे शुरुआत यहीं से करोगे ना, A जीरो है तो ऐसे, और A प्लस है तो ऐसे, और A माइनस है तो ऐसे। बताओ सारा VT ग्राफ हो गया कि नहीं, बोलो बताओ। ए जीरो है मतलब ऐसे एक्सेलरेशन, ये VT ग्राफ है। ए जीरो है मतलब ऐसे, ए प्लस है मतलब ऐसे, और ए माइनस है मतलब ऐसे। सारा VT ग्राफ हो गया कि नहीं, बोलो। तो बताओ ए प्लस है कि माइनस है, प्लस है। देखो ग्राफ हो गया, ये देखो यहीं पे था ना, ये देखो ग्राफ हो गया, देखो हो गया VT। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला अच्छा। अब मैं आपको ST बनाता हूं, ST ग्राफ। बताओ फिर से बताओ, ये ST ग्राफ कहां से शुरू होगा? बताओ बताओ, ST ग्राफ कहां से शुरू होगा? बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि ST ग्राफ कहां से शुरू करें? बताओ कौन बताएगा कि ST ग्राफ कहां से शुरू करें? देखो ये बताओ, एस नॉट इनिशियल वैल्यू बताएगा। देखो एस नॉट बताएगा कि कहां से शुरू करें, यू बताएगा कि किस डायरेक्शन से शुरू करें, और ये बताएगा कि आगे मोड़े कि न मोड़े, न मोड़े तो ठीक है और मोड़े तो किधर मोड़े। कोई दिक्कत? बोलो। यदि इनिशियल, यही इनिशियल है, यदि प्लस होगा तो ऊपर से शुरू होगा, माइनस होगा तो नीचे से शुरू होगा, और जीरो होगा तो यहां से शुरू होगा। बोलो प्लस होगा तो ऊपर से शुरू होगा, माइनस होगा तो नीचे से शुरू होगा, और जीरो होगा तो यहां शुरू होगा। कहां शुरू करें? यहां से दो। बोलो अब ST ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो शुरू का स्लोप, ST का स्लोप वेलोसिटी होता है, ds by dt डिफरेंशिएशन स्लोप होता है। तो किस डायरेक्शन से शुरू होगा, मतलब शुरू में वेलोसिटी क्या है, तो इसीलिए इसको बात कर रहा हूं। कहां से शुरू होगा, किस डायरेक्शन से शुरू होगा, और आगे क्या होगा। तो किस डायरेक्शन से शुरू होगा, यदि u प्लस है, शुरू तो मैं यहीं से करूंगा, लेकिन किस डायरेक्शन से करूंगा? डायरेक्शन यदि u प्लस है तो ऐसे शुरू करूंगा, u जीरो है तो ऐसे शुरू करूंगा, और u माइनस है तो ऐसे शुरू करूंगा, ऐसे। लेकिन शुरू यहीं से करूंगा, डायरेक्शन बस बता रहा हूं। मैं तीन तरीके से शुरू कर सकता हूं, देखो। तो u प्लस, u जीरो और u माइनस, ठीक है। शुरू तो मैं यहीं से करूंगा, लेकिन डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरा, आगे जाके क्या करें, आगे जाके क्या करें, यदि मान लो शुरू ऐसे कर दिए, देखो शुरू भी कर देता हूं, शुरू कर दिया, डायरेक्शन देख लो, प्लस है तो ऐसे शुरू, ये प्लस है तो ऐसे शुरू, जीरो है तो ऐसे शुरू, ऐसे शुरू, ऐसे शुरू, ऐसे, तो ऐसे शुरू है। ध्यान से, अब शुरू हो चुका है ग्राफ, ग्राफ शुरू हो गया है। यदि ए प्लस है तो ऊपर मोड़ देंगे, ए प्लस है तो ऊपर मोड़ देंगे,
ए जीरो है तो ऐसे ही लेके चले जाएंगे और ए माइनस है तो नीचे मोड़ देंगे। ए माइनस मतलब नीचे, ए प्लस मतलब ऊपर, और ए जीरो मतलब ऐसे ही कॉन्टिन्यू। ए जीरो कॉन्टिन्यू, ए प्लस ऊपर और ए माइनस नीचे। बताओ ए देखो तो ग्राफ है, हो गया। हो गया ग्राफ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि इसको पहले खींच लो फिर एक और करते हैं, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। चलिए मैं एक और करता हूं, ध्यान से सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। तो जरा देखो तो एक और करता हूं मैं, करता हूं ये, करता हूं वन माइनस फोर टू, वन माइनस फोर टू करता हूं, ठीक है। चलो वन माइनस फोर टू, सभी लोग खींच लो तो मैं भी खींचू। एस नॉट वन, यू माइनस फोर और ए टू, फटाक से खींचो तो मैं भी खींचू। सिखा तो दिया ही हूं आपको, सभी लोग इसको खींच लो तो, इसको खींचो तो मैं भी खींचू। हाँ जल्दी, चलिए मैं खींचता हूं, चलिए देखिए सभी लोग ध्यान से, सभी लोग देखें। एटी बताओ, एटी कैसा खींचूं बताओ। एटी, ए तो हमेशा कांस्टेंट होगा, प्लस दो है, हो गया। वी टी देखो, वी टी बताओ, वी कहां से शुरू होगा? माइनस फोर से। वी कहां से शुरू होगा? प्लस रहता तो ऊपर से, जीरो रहता तो यहां से, और माइनस है तो यहां से। कहां से शुरू होगा समझ में आ गया? अब देखो यहां से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन बनाना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं वी टी ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां से शुरू करना है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रेट लाइन ऐसे, कि स्ट्रेट लाइन ऐसे, कि स्ट्रेट लाइन ऐसे। इसका मतलब समझो, ए जीरो है तो ऐसे, ए प्लस है तो ऐसे, और ए माइनस है तो ऐसे। ए डिसाइड करता है कि कैसे। तो बताओ ए टू है, प्लस है, ऐसे हो गया, यही ग्राफ है। दूसरा देखो ध्यान से सभी लोग, सभी लोग एस टी देखें। एस टी कहां से शुरू होगा ये बताएगा, किस डायरेक्शन से शुरू होगा ये बताएगा, और आगे जाके क्या होगा ये बताएगा। ये ए जीरो होता है तो एस स्ट्रेट लाइन होता है, एस टी अभी पढ़ाया था। और यदि ए यदि जीरो नहीं है तो पैराबोला होगा, कर्व होगा। ए जीरो नहीं है तो पैराबोला होगा और कर्व होगा, खींचते हैं। बताओ कहां से शुरू करें, बताओ कहां से। भाई एस का शुरुआत तो एस वाला ही एस नॉट बताएगा, वन वन सही है, वन। ये बताएगा कि किस डायरेक्शन से शुरू करें, इस डायरेक्शन से करें, ऐसे शुरू करें कि ऐसे शुरू करें कि ऐसे शुरू करें, कैसे शुरू करें। ये तो इनिशियल वेलोसिटी ही ना बताएगा यार। यदि प्लस होता तो ऐसे शुरू करता, जीरो होता ये तो ऐसे शुरू करता, और माइनस होता
तो ऐसे शुरू करता, तो देखो शुरू कर दिया, शुरू किया हूं, अभी शुरू किया हूं, अब आगे ये बताएगा क्या करूं, आगे का ब्यौरा, आगे का नेचर। ये यदि ए जीरो होता ना, ए जीरो, अच्छा हाँ मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, यदि मान लो ये दोनों नहीं दिए, मिटा दे इसको, इसको ढक देता हूं, मिटा देता हूं इसको, तो बताओ वन यहीं पे हमेशा रहेगा कि नहीं, ये वन, तुम ये दोनों क्या देने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वन रहेगा। जब तुम ये दे दोगे तो शुरुआत तो ऐसे हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता ये क्या देने वाले हो। खोपड़े में बैठाओ, जैसे ही एस नॉट वन लिखते हैं पॉइंट यहां हो जाता है, जैसे ही माइनस चार लिखते हैं तो शुरुआत ऐसे हो जाती है। ये गया भाड़ में, मिटा दो इसको, शुरुआत वन से ऐसे हो जाएगी। यदि ए जीरो लिख दोगे तो कंटिन्यू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यदि ए प्लस दे दोगे तो मुड़ जाएगा ऊपर, और ए माइनस दे दोगे तो नीचे मुड़ जाएगा ऐसे। बोलो तो ए प्लस है कि माइनस है, ऐसे ग्राफ है। अच्छा हाँ, हो सकता है ये कट के भी जाए तो ये अलग बात है, हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे बाद में, पर शेप यही होगा, शेप यही होगा। हो सकता है कि इसकी जगह ये कट करके जाए, हो सकता है एक्सिस को काट दे, पर शेप ऐसा ही होगा। क्या सभी लोग समझ गए क्या मेरी बात? एस्टीग्राफी थोड़ा दिक्कत है ना, तो समझ गए ये ऊपर क्यों गया है यार? ए प्लस है इसलिए, ए प्लस मतलब ऐसे होता है और ए माइनस मतलब ऐसे होता है। एस्टीग्राफ, एस्टीग्राफ। क्या आप लोग सीख गए? सीख गए तो मैं आगे बढ़ू, एक तो और खींच लेते हैं। चलो एक और खींचते हैं तो ज्यादा आइडिया लगेगा। चलो यहां लिखता हूं, बल्कि यहां लिख के खींच देता हूं। सभी लोग देखे तो मैं ये खींचता हूं। ये खींचता हूं, 10 - 10 - 2 - 2 - 10 - 2 - 2 ना। चलो ध्यान से, क्या था यार, -10 - 2 - 2 हाँ ये वाला खींचते हैं, -10 - 2 - 2 चलो सभी लोग खींचो तो इसको फटाफट, एस नॉट माइनस टेन यू टू और ए माइनस टू, जल्दी से खींचो। चलिए मैं करता हूं, सभी लोग देखें ध्यान से, ये देखो एटी खींचने जा रहा हूं, एटी बताओ। अब बताओ, ए है नॉन जीरो, ए है तो वी टी एस टी में तो दिक्कत होती है, ए तो कांस्टेंट कहा जा रहा है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसको तो फटाक से कर लेंगे ना यार। देखो ए हमेशा माइनस दो है, वी हमेशा नहीं है, एस हमेशा नहीं है, लेकिन ए तो हमेशा माइनस दो है जो कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, कोई दिक्कत? बोलो, दुनिया का यही ग्रह, इसके अलावा भी कोई कांस्टेंट ग्राफ होता है? कांस्टेंट ग्राफ कैसे होता है वो तो बता ही चुका हूं, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, वी टी खींचते हैं, वी टी। चलो बताओ, इक्वेशन लिख के तो खींची देंगे,
मैं बिना इक्वेशन के थोड़ा आइडिया आपको डेवलप कर रहा हूं खोपड़े में, ताकि हम लोग देख के चीजें सीख पाए, समझ पाए, देख के बता पाए, तभी ना थोड़ा फास्ट होंगे। चलो बताओ ये कहां से शुरू होगा, वी टी कहां से शुरू करें? तो इनिशियल वेलोसिटी ही भाई, कोई चीज का इनिशियल ही तो बताता है कहां से शुरू करें। ये देखो यू टू, तो यहीं पे आएगा टू, और कहां आएगा, यहीं पे ना टू आएगा, प्लस टू है तो ऊपर, जीरो होता तो यहां, माइनस होता तो नीचे। ये बोलो अब ए बताएगा ए। अच्छा ये देखो, इसको ऐसे ध्यान से सुनो, इसको कुछ नहीं बताता है, इसको ए बताता है और इसको दोनों आगे वाला बताता है ना, ऐसे ऐसे ही ना, मतलब सोचने में VT का स्लोप A होता है ना, VT का स्लोप A होता है। यदि A प्लस हुआ तो इधर लेके भागूंगा और जीरो हुआ तो इधर लेके भागूंगा कांस्टेंट, और A माइनस हुआ तो इधर लेके भागूंगा। बताओ किधर लेके भागूं, माइनस है क्या? हाँ ग्राफ हो गया, ए माइनस ए जीरो और ए प्लस, वी टी ग्राफ में, ए टी में नहीं, ए टी में नहीं, वी टी में बता रहा हूं, ए माइनस ए जीरो और ए प्लस। हाँ एस टी, कहां से शुरू करूं कौन बताएगा, बताओ कहां से शुरू करूं, बताओ कौन बताएगा कहां से शुरू करूं, कौन बताएगा, ये बताएगा, ये माइनस टेन, माइनस टेन, माइनस टेन। बोलो अब बताओ किस डायरेक्शन से शुरू करूं, ऐसे शुरू करूं कि ऐसे शुरू करूं कि ऐसे शुरू करूं, बताओ कैसे शुरू करूं, बताओ शुरुआत करूं, आगे पूरा नहीं बनाना है, शुरू करें यार, स्टार्ट करें ऐसे। तो कौन बताएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ही स्लोप होता है, प्लस स्लोप तो ऐसे, जीरो स्लोप तो ऐसे और माइनस स्लोप तो ऐसे। तो बताओ यू प्लस तो ऐसे, ये देखो ऐसे शुरू है। अब ए बताएगा कि क्या करें, यदि ए प्लस होता तो ऊपर मोड़ देते, ए जीरो होता तो ऐसे ही लेकर चले जाते, जैसे शुरू हुआ है वैसे ही लेकर चले जाते, और ए माइनस है तो नीचे मोड़ना पड़ेगा, पर शुरुआत ऐसे है तो नीचे ऐसे ही ना मोड़ोगे, और कैसे मोड़ोगे, जब शुरुआत ऐसे है तो मोड़ना तो ऐसे ही ना पड़ेगा, शुरुआत ऐसे है तो ऐसे ही ना नीचे मोड़ोगे। क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे हैं, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए लास्ट लास्ट चांस है, अंतिम चांस है, बता रहा हूं, जो लोग नहीं समझे हैं अंतिम चांस है, बता रहा हूं, सीखना है सीख लो, नहीं तो फिर दोबारा अब नहीं आएगा। और ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं बस इस वो हम लोग कहीं भी ग्राफ का परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं। ध्यान से सभी लोग देखें, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्यों ना कौन सा किया जाए, मैं अपने से ठो दे दूं क्या आप लोगों को, अपने से देता हूं ना, चलो तो जरा ये करो, तो सभी लोग ये करो, सभी लोग एस नॉट बराबर जीरो, यू बराबर
दस, यू बराबर दस, सभी लोग यू बराबर दस और ए बराबर माइनस चार, सभी लोग करो तो जीरो लग कर रहा हूं, देखो इकाना जीरो भी रख दिया हूं, सभी लोग करो तो ये वाला, सभी लोग करो, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। एस नॉट टेन, एस नॉट टेन और एस नॉट जीरो, एस नॉट जीरो, यू टेन और ए माइनस फोर। अच्छा चलिए देखिए फटाफट देखिए, ये देखिए ए माइनस फोर, ए टी माइनस फोर, वी टी, सभी लोग देखें वी टी, वी टी शुरुआत होगा 10 से और ए माइनस है तो नीचे चला जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो होना ही था, वी टी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, वी टी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान से एस टी बताओ शुरू कहां से करें, बताओ शुरू कहां से करें, जीरो तो जीरो यहां, प्लस होता तो ऊपर से, जीरो है तो यहां से और माइनस होता तो यहां से, ये अब ये बताओ शुरुआत का डायरेक्शन बताओ, ये तो शुरू है, शुरू का पोजीशन है और ये शुरू का डायरेक्शन है और आगे कैसा बनेगा तो बताओ कहां किस डायरेक्शन से शुरू करें, ओरिजिन से तो शुरू करना है, ऐसे शुरू करें कि ऐसे शुरू करें कि ऐसे शुरू करें, क्या कैसे शुरू करें बताओ, प्लस है तो ऐसे शुरू करते हैं, बना नहीं रहा हूं शुरू किया हूं, बना नहीं रहा हूं बस शुरू किया हूं, ए बताएगा देखो शुरू हो गया है, यदि ए जीरो होता ना तो ऐसे ही चला जाता, ए जीरो होता तो ऐसे ही चला जाता, ए प्लस होता तो ऊपर मुड़ जाता ऊपर और ए माइनस होगा तो नीचे मुड़ जाएगा, बताओ किधर मुड़ू, हाँ ग्राफ है बोलो, सीख गए, बोलो सीखे है, हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि एक ठो और दे ही दूं, 403 चलो चलो सभी लोग खींचो तो 403 सभी लोग खींचो 403 सभी लोग अंतिम है ये 403 403 403 जल्दी खींचो यार, चलो मैं खींचता हूं, देखो तो सभी लोग देखें तो ये देखिए 83 तो हमेशा ही इसी तरह का रहता है यार, VT सभी लोग देखें जीरो से शुरुआत होगा, जीरो जीरो से शुरू होगा, प्लस है, हाँ एस टी चार से शुरू होगा, चार से जीरो, यदि यू प्लस होता तो ऐसे शुरू करता, U जीरो है तो ऐसे शुरू करूंगा और U माइनस है तो ऐसे कैसे शुरू करूं बताओ, ऐसे शुरू कर रहा हूं बस अभी, और A तीन है, A जीरो होता तो ऐसे लेके चला जाता, A प्लस है तो ऊपर मोड़ दूंगा और A माइनस है तो नीचे मोड़ दूंगा,
सही है। ए थ्री है तो पैराबोला तो होना ही था एसटी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। चलो अंतिम एक ठो और खींच दो तो बात करूं मैं। चलो एक ठो और अंतिम, चलो एस नॉट चार यू यू माइनस दो और ए जीरो। अंतिम है, अंतिम है, सीखना है सीख लेने में चला जाऊंगा अब, अंतिम है ये अंतिम है, सीखना है सीख लो नहीं चला जाऊंगा। लास्ट वन, लास्ट वन, चलो देखो मैं खींच रहा हूं, देखो तो सभी लोग देखें ध्यान से है, ध्यान से सभी लोग देखें, देखिए सभी लोग ये देखिए, एटी देखिए, एटी बताइए एटी कैसा होगा जरा देखो तो, जीरो कांस्टेंट, यही ग्राफ है, देखो ये वीटी ग्राफ, वीटी वीटी देखो, वी कहां से शुरू होगा बताओ, माइनस टू, माइनस टू। अच्छा अब कैसा खींचें, ए जीरो हो तो ऐसे खींचूंगा, ए प्लस हो तो ऐसे खींचूंगा और ए माइनस है तो ऐसे खींचूंगा, तो कैसे खींचूं ऐसे, एस टी बताओ कहां से शुरू करूं, ये चार से, चार चार फोर 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 फोर। अब ये बताओ फोर से शुरू करने जा रहा हूं, यू ऐसे शुरू करूं डायरेक्शन की ऐसे कि ऐसे, ऐसे ऐसे। अब आगे बताओ ए जीरो है तो कंटिन्यू करूं, ये देखो तो हमको लग गया, हमको लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे जीरो जीरो वाला, एस नॉट जीरो यू जीरो एंड ए जीरो, दिस इज ए जीरो, दिस इज ए जीरो, वी टी कहां से शुरू करूं जीरो और एक्सेलरेशन जीरो सो जीरो, कहां से शुरू करूं एस टी जीरो से शुरू करूंगा, जीरो डायरेक्शन से शुरू करूंगा और वैसे ही कंटिन्यू करूंगा। चलिए हालांकि ये बेकार ग्राफ है, ये पार्टिकल हमेशा के लिए रुका हुआ था है ना, केवल टाइम बढ़ रहा था, टाइम 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 केवल टाइम बढ़ रहा था। तो चलिए आज हम लोग बहुत कुछ सीखे और पूरे फिजिक्स में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का बहुत ग्राफ होता है, उसको हम लोग ध्यान देंगे आगे से और फिर आगे पढ़ते हैं और क्या। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।